तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि हमारे मेकर्टर को मालूम चलता है कि जो बुड्ढा है ना अपने लीडर को मरवाना चाहता है। तो ये लीडर के पावर के बारे में पूछता है कि भाई वो कौन सा लेवल पर है। बुड्ढा बताता भाई सेकंड ग्रेड का। हमारा मेकर्टर सुनते ही सोचता है सेकंड ग्रेड, भाई मैं कब से आठवें ग्रेड पर यहाँ पर हूँ, क्यों आर यू फनी। सेकंड ग्रेड सोचो कितना ज़्यादा बड़ा यहाँ पर होगा, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, मिरर यहाँ पे लो और निकलो। बुड्ढा कहता क्या हुआ तुमको, डर यहाँ पर लग रहा है। तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको डायरेक्ट जाके यहाँ पे फाइट नहीं करना। रही बात मिरर का, तुम्हारे जैसे जो मैंने बाकी बंदे को मिरर यहाँ पे दिया ना, तुम सबके सब बड़े कमाल के बंदे हो, समझो चूजन वन हो। आगे चल के ना तुम्हारी मुलाकात यहाँ पे पक्का होगी, आगे चल के मुलाकात हो, कहीं तुम झगड़ा यहाँ पे ना कर लो। इसके लिए मेरे मिरर एडवांस में तुम सबको दे दिया ताकि तुम लोग एक दूसरे से बातचीत करो, कॉन्टेक्ट करो और जान पहचान यहाँ पे बढ़ा लो। तो जैसे हमारा मेन कैरेक्टर यह बात सुनता ना, वो भी सोचता कि इन शॉर्ट जिस जिस बंदे के पास यहाँ पे मिरर है वो एकदम चूजन वन के बराबर है, बड़े कमाल के बंदे। तो अगर उनके साथ मेरी भी दोस्ती हो जाएगी तो देखा जाए तो कहीं कहीं से मेरा भी फायदा होगा, इसके लिए मैं भी ज्वाइन करने को तैयार हूँ, हाँ बोल देता है। जो सुनते बुड्ढा भी कहता है ठैंक गॉड आपने हाँ यहाँ पे बोल दिया, और मेरी जाने की बारी आ चुकी है, मैं जा रहा हूँ। एक और बात बता दूँ, जो बंदे मिरर यूज़ करते ना उनका नाम शो नहीं होता, नंबर यहाँ पे शो होता है। वैसे तुम्हारा भी कोई नंबर शो होगा भाई, इतना बोल के डिसअपीयर। हमारा मैं कहता तो समझ जाता कि यहाँ पे नंबर के बारे में मुझे यहाँ पे मालूम है, लेकिन अचानक से कोई बुड्ढा आएगा तुमको मिरर भी दे देगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलेगा। अभी भी के लिए बात सुन के सबको ठीक लग रहा था, कोई बुरा इरादा यहाँ पे लग नहीं रहा था, लेकिन कई बार ऐसे लोग होते हैं जो पहले अच्छा बनते और बाद में बुरा निकल जाते, कहीं ये भी तो उनमें से एक नहीं ना आता। लेकिन टेंशन मत लो भाई, ये जो वाई गोंग है ना मेरे साथ यहाँ पर है, मुझे बस उसका क्लोज यहाँ पे रहना है तो मुझे हर मुसीबत से बचाता रहेगा। फिर जो हमारा मेकर्टर है ना वो सोचता है चलो भाई अब जो बाकी बंदे ना बाकी बंदे के साथ यहाँ पे कॉन्टेक्ट करता हूँ और बातचीत यहाँ पे करता हूँ, इसलिए डाल देता कि हेलो मैं एक नया बंदा यहाँ पर हूँ और चेन मेरा यहाँ पे नाम है हेलो। लेकिन लिटरली काफी घंटों का टाइम चल जाता, कोई रिप्लाई नहीं आता। इसका दिमाग का देखिए भाई कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, वापस से डाल के देखता हूँ तो वापस से चैट में डालता कि हेलो चेन मेरा नाम है, नया नया बंदा आया हूँ, कोई तो रिप्लाई दे दो। तो जो नंबर सिक्स यहाँ पे था जिसके साथ हमारे मेकर्टर ने पहले भी बातचीत कर ली है, उसका रिप्लाई आता कि सुनो यार बुड्ढे द्वारा मुझे आइडिया लगा कि कैसे भाई तुमने नंबर नौ की बैंड यहाँ पे बजवा डाली और नंबर नौ की यहाँ पे बैंड बज गई, या तुमने कमाल यहाँ पे किया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। जो सुनता हमारा मेकर्टर भी देखता कि अच्छा रिप्लाई आ गया, नंबर छः का रिप्लाई आया, चलो यार हाँ हाँ। तो यार वो छोटी सी बातें कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं थी। जो सुनता है नंबर छः उसका चेहरा नहीं दिखाया गया है, अननोन बंदा है, बाद में चेहरा दिखाया जाएगा। वो ऐसा चौंक जाता है क्या जो पिछले बात यहाँ पर हुआ था ना, अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था छोटे बच्चे जैसा, जैसे कि दिमाग नहीं है। लेकिन अब आइडिया लग चुका कि बड़ा दिमाग वाला बंदा यहाँ पर है, कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाता है। उतने में जो नंबर टू है ना, नंबर टू का भी रिप्लाई आता है कि हेलो 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 तुम्हारे बारे में क्या बातचीत चालू है, क्या ना मैं लंबे समय से गायब यहाँ पे था, क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है मुझे आइडिया नहीं था, बताओ ना। जो सुनते जो नंबर छह ना पूरा पूरा लिटरली सब कुछ यहाँ पे बता देता कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या क्या हुआ था। जो सुनते हमारा मेकर्टर चौंक जाता है कि अरे बाप इतनी बातें तो मुझे डिटेल में भी नहीं मालूम, इनको कैसे मालूम, इस कमीने बुड्ढे ने बताया होगा। जबकि इसने क्या बोला कि भाई मैं तो कुछ बताऊंगा नहीं तुम्हारे बारे में, यह साला यार, लेकिन तो भी इसने काफी बातें बता दी। फिर वो जो रिप्लाई यहाँ पे चालू था छठा कहता फिर एंड में वो जो बुड्ढा था उसने उसका मीने नंबर नाइन के यहाँ पे मार डाला, इसको यहाँ पे बचा लिया। तो दूसरे का भी रिप्लाई आता कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था क्या, एग्जैक्टली मुझे एक और बताओ यार तुम्हारे बारे में, एंड में हुआ क्या था। हमारा मेकर्टर सोचता मुझे क्या मालूम, मैं खुद वहाँ पे नहीं था तो मैं क्या बता दूँ। तो नंबर छह रिप्लाई देता कि शायद वहाँ पे ये हुआ रहेगा कि कोई कमाल का तगड़ा मेंबर यहाँ पर आ गया, शायद वो नाइट वॉचर यहाँ पे था। दूसरे कहते नाइट वॉचर नहीं यार, मेरे को तो बड़ा अजीब लगता है, या तो पक्का भाई ये होगा भाई किसी बड़ा सा वॉरियर होगा, नहीं तो भाई ये हो सकता है सेड का किसी का मेंबर होगा, मतलब वो लोग आपस में डिस्कस ले रहे थे। हमारा मेकर्टर सोचता है कि एंड में तो भाई यांग यान यहाँ पे गया था और यांग यान हमारे जैसे एक नाइट वॉचर है, करो या डिसीजन मुझे उससे क्या। उतने में जो नंबर टू है ना नंबर वन के बारे में बात करता है कि जो नंबर वन है ना वो भी कैपिटल सिटी में होगा जहाँ पे अभी के लिए नंबर थ्री रह रहा है, और हमारे मेकर्टर का जो नंबर है ना वो ही नंबर थ्री यहाँ पर है। हाँ तो सामने से नंबर वन भी देखते कि अच्छा मेरे को हाईलाइट में यहाँ पे ला रहा है ना, तो एक काम करता हूँ नंबर टू को भी फंसाता हूँ। इसलिए वो भी रिप्लाई देते हैं कि एरिया जिस एरिया में नंबर टू यहाँ पे रहता है और आज फिलहाल मेरा लड़ाई झगड़ा गुंडावर्दी का यहाँ पे खबर यहाँ पे आया था, कहीं ऐसा तो नहीं है नंबर टू तूने ऐसा यहाँ पे किया। जैसे हमारा मेकर्टर इनकी बात सुनता ना वो एक्साइटेड हो जाता है कि वाह यार बातों से साफ साफ यहाँ पे मालूम चल रहा है कि जो नंबर टू है ना उन नंबर वन को टारगेट यहाँ पे बना रहा था, अभी तो भाई मेरे सामने उसको एक्सपोज किया जा रहा है। लेकिन जो नंबर वन है वो भी किसी से कम नहीं, वो भी चला के वो भी नंबर टू को एक्सपोज करके उसकी बैंड यहाँ पे बजाया जा रहा है। तुम दोनों आपस में लड़ो यार, मुझे तुम्हारी लड़ाई देखनी है। उसको नंबर टू रिप्लाई भी देता हूँ, कहते क्या क्या मतलब मैं अपने एरिया में कुछ भी नाटक किया जा रहा हूँ, यार मैं काम करता हूँ राजा के लिए और काम किया जा रहा हूँ कि राजा एक नंबर का बेकार गधा राजा, उससे बेकार राजा मैंने ऐसे पहले कभी यहाँ पे देखा नहीं है, काम धंधा उससे होता नहीं है, पब्लिक पे ध्यान देता नहीं है। हमारा मेकर्टर सोचता है कि वेल मुझे ऐसा लगता है राजा के लिए काम करता है और राजा ने कहीं मैंने ऐसे सैलरी यहाँ पे नहीं दी है तो गुस्सा किया जा रहा है। और डिटेल में बताता है कि भाई ढेर सारे राजा के काम न करने के चक्कर में गरीब लोग का नुकसान यहाँ पर हुआ है, 6 लाख से ज्यादा लोग है ना ये भाई रिफ्यूजी बन के यहाँ हुआ जाना पड़ा, और कई सारे ना गुंडे वगैरह भी उन पर हमला करके उनको लूटते हैं। तो जो गुंडे
ना, मैंने गुंडे लोग को मारने का काम यहाँ पर किया, समझ भी रहे हो क्या? तब जाके हमारा मेकटे भी रिप्लाई यहाँ पे देता है और कहता है तुमको याद है क्या कि जो एक मिनिस्टर जू यहाँ पे था, हाउस होल्ड डिपार्टमेंट का मिनिस्टर, उसकी बैंड यहाँ पे बच गई। मालूम है कैसे? उसके बेटे के चक्के में, उसका बेटा हवसी, उसने मॉर्क्विस की साली की बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसको किडनैप यहाँ पे किया और एंड में बैंड बच गई। हवस चीज ही गंदा है। मनीमन सोचता चलो भाई मैंने अपनी ओर से लाइन बोल दिया, अब ये लाइन द्वारा जो नंबर वन और नंबर टू का भी मैं टेस्ट यहाँ पे ले सकता हूँ। देखो भाई वो लोग क्या रिप्लाई देते हैं। और उसके पीछे का मेन रीजन ये था क्योंकि भाई सबको ये मालूम है उसके बेटे के ठरक के चक्कर में नहीं, पैसे में उसने जो लफड़ा यहाँ पे किया था ना, उसके चक्कर में उसकी बैंड यहाँ पे बजी। अगर नंबर वन या नंबर टू वाले ने मुझे क्रेडिट करके बता दिया कि हाँ भी बेटे के हवस के चक्कर में नहीं, पैसों के चक्कर में बर्बाद हुआ, तो समझ जाऊंगा कि ये लोग भाई एग्जैक्टली कौन से मेंबर है ताकि उनको ढूंढ भी पाऊंगा। लेकिन नंबर वन ने एकदम टॉपिक चेंज ही कर देता है। वो जो यूनू अकेडमी है उस अकेडमी के बारे में खबर नहीं निकाल लेता। उस दिन ना अकेडमी में कुछ एक लफड़ा हुआ था, उस लफड़े के अंदर ना प्रिंसेस भी यहाँ पे थी और प्रिंसेस के अलावा उसके कुछ बंदे भी थे। एक और अजीब सा लड़का यहाँ पे था, शाओ क्वेन जिसका नाम है। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर सुनता कि शाओ क्वेन तो मेरा ही नाम है भाई, ये लोग तो मेरे बारे में भी यहाँ पे तक की बात करने लगे। ऐसे कैसे? कहीं बूढ़े के बच्चे ने मुझे फंसा तो नहीं ना दिया जानबूझ के मेरे बारे में पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन वगैरह बताकर? उतने में सामने से फिर से रिप्लाई आता कि शाओ क्वेन ना सुना उसके बारे में, एक लड़का है, अच्छा पोयम यहाँ पे लिखता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो जाहिर सी बात है कि वेल उसके बारे में कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है, बस एसेंस रिफंडिंग लेवल का बंदा है। हमारा मैं कट अभी देखता है, चलो भाई मेरे बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन एक सेकंड में पूछ ही लेता हूँ, क्यों भाई तुमने अचानक से शाओ क्वेन के बारे में बात कहीं को निकाल ली? रिप्लाई आता है क्योंकि उस दिन अकेडमी में रिएक्शन हुआ था, चेंग नाम का जो कमाल का स्कॉलर यहाँ पे था जिसका टैबलेट यहाँ पर है, हमको शक है कि भाई वो टूट चुका है, वो टूटा है या नहीं टूटा, हमको बस वो कन्फर्म जानना है। तो सामने से लोग रिप्लाई देते हैं कि वेल क्यों यार तुमको जानना जरूरी है क्या? जो सुनते सामने से रिप्लाई आता है, यस भाई मुझे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे मेकअप को मालूम है। और ये सवाल और कोई नहीं बल्कि बुड्ढा ही पूछे जा रहा है, बुड्ढा भी कोई नंबर का होगा जो कॉन्टेक्ट करा था। तो हमारा मेकअप समझ जाते कि वेल कुछ भी हो जाए मैं नहीं बताऊंगा कि टूटा है या नहीं टूटा है। उसके बाद चलो भाई मैं टॉपिक चेंज करता हूँ, मुझे भी तुम लोग से एक सवाल यहाँ पे पूछना है। ये जो सेट यहाँ पर है, जो एल्केमिस्ट वाला सेट यहाँ पर है, पिल वगैरह बहुत सारी चीजें बनाता है, वो सची में यूनिक है क्या? तो जैसे लोग यहाँ पे सुनते ना, इनको लगता है कि एक सन भाई ये सेट के बारे में सोच रहा है, मतलब सेट के बारे में पूछे जा रहा है, तो हमको लगा शायद ये सेट का मेंबर पहले से होगा। लेकिन इसने सवाल पूछा यानी ये सेट का मेंबर नहीं है। हमारे मेकअप भी खुश है, ऐसा सवाल पूछ कर ना एक तो ये कन्फर्म करवा दूंगा कि मैं सेट का मेंबर यहाँ पे नहीं हूँ, ज्यादा करके लगेगा मैं यूनो अकेडमी का मेंबर हूँ, एक रियलिटी में मैं तो नाइट वॉचर हूँ, इनमें से किसी को भी आइडिया यहाँ पे नहीं लगेगा। तो अभी के लिए मेरे बारे में किसी को कुछ भी आइडिया ना लगे, वही बढ़िया। वो लोग रिप्लाई देने लग जाते कि भाई सेट ऐसा है, सेट ऐसा पहले नहीं था, फिर बना, फिर बबाल बन गया और नंबर वन बन गया, इकलौती सेट है। हमारे मेकअप सोचता है इकलौता यहाँ पर है, इसके जैसा और कोई भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके जैसा अभी नहीं तो पहले होना चाहिए, क्योंकि उनके पास कुछ किताबें यहाँ पे थी जो एंशियंट किताबें थी, जो कहा जाता था कि भाई बहुत पहले से पास किया जा रहा है, यानी इससे पहले से कोई सेट होगा ना जहाँ से इंफॉर्मेशन मालूम चलेगा, लेकिन ज़्यादा पहले से नहीं होगा, मुश्किल से 500 या 600 साल पहले, तभी तो ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा केमिकल के बारे में उनको मालूम नहीं है। और जैसे मैं किसी भी छोटे चीज़ के बारे में बताता हूँ वैसे वो लोग एक्साइटेड यहाँ पे हो जाते हैं। एंड देन ये वीडियो भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।